तो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा, आज हम जो बात करने वाले हैं वो है अपने गूगल क्रोम के ऊपर कि भैया गूगल क्रोम जो होता है इतनी मेमोरी क्यों लेता है, या मेमोरी बोले तो इतनी सारी रैम क्यों लेता है हमारे कंप्यूटर से। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा, तो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हाय गाइस, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हो टेक विंक यूट्यूब चैनल। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका गूगल क्रोम है वो बहुत रैम लेता है, क्यों लेता है मैं आपको इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ आज की इस वीडियो में। कि जो भी जब गूगल क्रोम हमारी इतनी सारी रैम इसलिए लेता है कि आपको बताऊंगा कि जो गूगल क्रोम है वो आपका सबसे फास्टेस्ट ब्राउज़र है, मतलब दुनिया के अंदर जो सबसे ब्राउज़र से जितने भी उसके अंदर सबसे फास्टेस्ट ब्राउज़र है हमारा गूगल क्रोम। फास्टेस्ट कैसे हैं, वो जो रैम लेता है उसी वजह से वो सबसे ज़्यादा फास्ट है। जब भी आप कोई भी चीज़ गूगल पे सर्च करते हो तो वो क्या करता है, सर्च करते ही आपको जितना भी वो डेटा है जो भी आपने सर्च करा है उस चीज़ के ऊपर, वो फटाफट से आपकी रैम में लोड कर देता है, वो फटाफट से आपको रिजल्ट देता है। आपने देखा होगा कभी भी सर्च करते हो तो आपको बताता होगा कितने सेकंड्स में इतने रिजल्ट्स, तो वही रैम की वजह से होता है। वो जितना ज़्यादा फटाफट से आपकी रैम थोड़ी ज़्यादा लेता है और जो भी डेटा है फटाफट से आपको सर्व कर देता है जो भी आपने सर्च करा होता है, तो इससे क्या होता है आपको सर्च करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो फटाफट से जो भी आपको सर्च करना होता है वो जल्दी से मिल जाता है। इसलिए जो हमारा गूगल क्रोम होता है वो ज़्यादा रैम लेता है। और अगर आप जो कि थोड़े से अपने एक टैब खोला गया तो आपको थोड़ा फास्ट में मिलेगा, अगर आप थोड़ा सा अगर से 10-15 टैब अपन ओपन कर रखें गूगल क्रोम में, तो उसके अंदर क्या होगा, जो थोड़ी सी हमारी स्पीड है उसके ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। जो हमारे 10वां या 15वां टैब होगा और ये सब लोग जितने भी टैब इतने सारे होंगे, तो क्या होगा, रैम तो हमारे कंप्यूटर में उतनी है 8GB, पर हर टैब अपनी जितनी रैम उनको ज़रूरत है वो ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो स्पीड है सर्च करने की उसमें थोड़ी सी स्लो आ जाएगा। और अगर आप ज़्यादा टैब का यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको पता है थोड़ी सी स्पीड कम देखने को मिल सकती है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी ये जो मेन रीज़न था भाई हमारा जो गूगल क्रोम है डेटा रैम क्यों लेता है इतनी सारी, क्योंकि वो क्या होता है जो भी आप जो भी सर्च करते हो उसका डेटा फटाफट से हमारे रैम में लोड कर देता है, तो इसलिए हमको जो भी रिजल्ट होता है हमको फटाफट से मिल जाता है और हमारा टाइम भी बचता है। तो आई होप आपको पता से लग गया होगा कि भैया जो गूगल क्रोम होता है इतनी सारी रैम क्यों लेता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसी और भी वीडियोस हमारे चैनल पर लेके आता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में।